बस जोगिन को शादी के लिए तैयार करो, तब जाकर इस घर का माहौल कुछ ठीक होगा, वरना ये दुख की बीन बजा बजा के कब तक रात काली करते रहेंगे हम सब। मेरे ख्यालों में तुम ही तुम हो, हर पल मेरी यही कोशिश रहती है कि तुम मुस्कुराती रहो। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है, मगर मुझे उस दिन का बेसब्री से इंतजार रहेगा जब हम जीवन साथी बन जाएंगे। तुम्हारी मदद करके मैं सही करूंगा या गलत करूंगा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे रमेश और उनके दोस्तों पर पूरा भरोसा है। तुम्हें नहीं पता मेरे दोस्त, तुम्हारी इस मदद का मुझ पर कितना बड़ा एहसान होगा। दोष उन गंदे विचार वाले लोगों का है जो पहले समाज के नियम तोड़ते, उसके बाद अपनी गलतियां छुपाने के लिए परी जैसी लड़कियों को मरने के लिए छोड़ देते हैं। और आज जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो तुम्हारा अपना नहीं, ये सब बाबा की मेहनत का नतीजा है। और सबसे पहले अपनी औकात नाप लेते, उसके बाद दूसरे के गिरेबान में झांक कर देखते। तुमने आज परी से बदतमीजी से बात करके अपने आप को मेरी नजरों में गिरा दिया है। जब तक तुम परी से माफी नहीं मांग लेते तब तक मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। ये मैंने क्या कर दिया? मुझे परी से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। देवी चौधरानी जी, अब सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा आप चाहती थी। चेंबर बंद होने के बाद बारिन बाबू की शक्ल देखने लायक। हमें भी उस दिन का इंतजार है जब रमेश अपने बिल से बाहर निकलेगा और उसे पता चलेगा कि उसे इस शहर से जोड़े रखने वाली सारी जड़ें जड़ से उखड़ चुकी है। आनंदों के चेंबर में ताला बंद हो ये देखने के लिए हम कब से तड़प रहे थे। ये वही जगह है ना जहां आनंदों ने बैठकर हमारे पति की किस्मत काली स्याही से लिखी थी। हमें तो इस बात का सुकून है कि आनंदों की बर्बादी बड़े जोर शोर से शुरू हुई। अब हमें अपनी खुशियों का जश्न भी बड़ी धूमधाम से मनाना होगा। तो देरी किस बात की है? उमाकांत, जब से हमें पता चला है कि कमला हमारे महेश की पत्नी है हम बहुत खुश हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि बस अब हमारा परिवार पूरा होने जा रहा है, बस कमी है तो रंगराज जी की। अब हमें किसी भी तरह रंगराज जी को जेल से छुड़ाना होगा। लेकिन ये काम हम करेंगे कैसे? आनंदो बाबू तो कभी भी इस काम के लिए तैयार नहीं थे और अब जोगिन बाबू ने भी हमें पीठ दिखा दी, तो ये काम कैसे होगा? अब ये काम तुम करोगे। मैं? मेरा मतलब है कि इतना बड़ा काम मैं कैसे कर पाऊंगा देवी जी? अब मुझे तो खुद पर ही भरोसा नहीं है कि मैं ये काम कर पाऊंगा। रंगराज जी को जेल से छुड़ाना है, मैं भला रंगराज जी को जेल से कैसे छुड़ा पाऊंगा? उम्मीद तो हमें भी तुमसे नहीं है कि तुम हमारे पति को जेल से छुड़ा पाओगे, मगर हम इतना जानते हैं कि आनंदों के चेंबर से लेटर हेड और स्टैम्प चुराने में तुम जरूर कामयाब हो सकते हो। बस तुम ये काम कर दो, रंगराज जी को जेल से कैसे छुड़ाना है वो सब हम संभाल लेंगे। बस इतनी सी बात? ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। मगर याद रहे कि खेल खेल में भी देवी की मात नहीं होनी चाहिए, वरना तुम अपने अंजाम के लिए तैयार रहना। देवी जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अगर इस बार मैं गलती से पकड़ा भी गया सारा इल्जाम बारिन बाबू पर आ जाए। मैं कुछ समझी नहीं। बारिन बाबू को एक फाइल चाहिए और वो फाइल चेंबर में बंद है, और उस फाइल को लाने की जिम्मेदारी मेरी है, क्योंकि जोगिन बाबू आसानी से बारिन बाबू को फाइल देने वाले नहीं है। ये तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई तुमने, हमें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए।
काश काश कि हमें पता होता कि इस वक्त रमेश कहाँ है। देवी चौधरी चौकट पे लिफाफा मिला। जी मैं देखूं। काश कि हमें पता होता कि इस वक्त रमेश कहाँ है तो हम उसे इस बात का एहसास दिला पाते कि देवी चौधरानी को छेड़ने का क्या नतीजा हो सकता है। क्या हुआ? काली माना करे, रमेश बाबू जहाँ गए हैं वहां आपको जाना पड़े। मतलब तुम्हें पता है कि रमेश कहाँ है? जी जानता हूँ। कहाँ है रमेश? रमेश बाबू ऊपर चले गए। पहेलियाँ मत बुझाओ, साफ साफ बताओ कि रमेश कहाँ है। रमेश बाबू अब इस दुनिया में नहीं रहे। क्या बकवास कर रहे हो? देवी जी मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। मैं बारिन बाबू के घर पे गया तो मैंने देखा रमेश बाबू के तस्वीर के सामने दिया जल रहा था, और तो और उस तस्वीर पर उन्होंने माला भी चढ़ाई हुई थी। ये कैसे हो गया? अब इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है, लेकिन ये राज बारिन बाबू के सिवाय और किसी को पता नहीं होगा, और मैं ये सब पता करके ही रहूंगा कि आखिर ये सब हुआ कैसे। हाँ उमाकांत, हमें भी उस दिन का इंतजार रहेगा जब रमेश की मौत से पर्दा उठेगा, मगर उससे भी ज्यादा जरूरी हमारे लिए इस समय यह है कि रंगराज जी को जेल से कैसे रिहा कराएं। 2 दिन के बाद हम उनसे मिलने जेल जाने वाले हैं। कब क्या कैसे करना है ये सारी बातें उनके साथ मिलकर तय करना जरूरी हो गया है, और इस बीच तुम भी आनंदों के चैम्बर से लेटर हेड और स्टैंप उठा लाना। जी काम हो जाएगा। देवी चौधरी चौकट पे लिफाफा मिला। जी मैं देखूं। क्या हुआ? परी, अरे परी क्या हुआ है? तू दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? परी दरवाजा खोल ना, अपनी कक्की को नहीं बताएगी क्या हुआ है? परी कक्की क्या बात है, आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? पता नहीं हेम क्या बात है, परी ने खुद को कमरे में बंद कर लिया है। मैं कब से पूछ रही हूँ कि हुआ क्या है, मगर वो कुछ बोल ही नहीं रही, बस अंदर से उसके रोने की आवाजें आ रही है, बता भी नहीं रही कि हुआ क्या है। परी दरवाजा खोलो। परी मैं जानती हूँ कि तुम्हें जोगिन की बात का बुरा लगा, मगर दरवाजा तो खोलो। परी हेम क्या बात हुई है मेरे परी के साथ? तुम लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हो। कक्की वो मैं जोगिन से कह रही थी कि
परी ये सब क्या है? कक्की, अगर तुमने इतने दिनों में मुझे एक बार भी अपनी बेटी समझाओ तो तुम्हें कसम है मुझे रोकना मत। मैं अपने गांव जा रही हूं। तुम मेरे साथ आ रही हो तो ठीक है, और नहीं भी आ रही हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं अब यहां और नहीं रुक सकती। परी, परी मेरी बात तो सुनो। परी, कौन कहता है कि तू बेकार की चीज है? तू तो मेरे दिल की रानी है, मेरी बच्ची है। तू तू तो मेरा चांद का टुकड़ा है। तब तो तुम नहीं चाहोगी ना कि मुझे और दुख पहुंचे। अरे बाबा, खाली मोटे मोटे आंसू टपकाएगी या बताएगी भी? हुआ क्या है, बोल ना। क्या बात है? कुछ नहीं कक्की, हम जैसे गरीब लोगों के लिए हमारा गांव ही ठीक है, जहां लोग एक साथ प्रेम से रहते हैं। मैं जानती हूँ कि आज जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी गलती नहीं थी। जोगिन ने जो कुछ भी कहा मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। कोई मुझे बताएगा भी कि हुआ क्या है? क्या कहा जोगिन ने मेरी परी को? कक्की, वो जोगिन को कुछ गलत फहमी हो गई थी, इसीलिए उसने परी को बातें सुना दी। अच्छा, अब समझ गई मैं यहाँ क्या चल रहा है। तुम भाई बहन को अगर हम लोग पसंद नहीं थे तो बोल देते। हम कौन सा यहाँ रहना चाहते हैं? वो तो दादा को तुमने ऐसी हालत में पहुंचा दिया, और मैंने दादा से वादा किया था कि मैं ये घर संभालूंगी, इसलिए मैं यहां रुक गई। मगर मुझे क्या मालूम था कि तुम उस बात का बदला जोगिन से शिकायत करके लोगी। नहीं कक्की, आप गलत समझ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे सब समझती हूँ मैं, मेरी परी मेरे लिए मेरी बेटी से भी ज्यादा बढ़कर है। मेरे चलते किसी को गलत समझने की जरूरत नहीं है। मेरा क्या है, मैं जो भाग्य लेकर पैदा हुई हूँ वो तो नहीं बदला जा सकता ना। यहाँ तुम्हारी जरूरत है, तुम यहाँ रुक जाओ, मैं गांव में तुम्हारा इंतजार करूंगी। परी छोड़ो, तुम कहीं नहीं जाओगे, हम सब यहीं रहेंगे। मैं जोगिन से बात करूंगी, मैं उसे समझाऊंगी कि वो तुमसे माफी मांगे। नहीं हेमदी, जोगिन बाबू के माफी मांगने से सच बदल तो नहीं जाएगा ना। आज जो भी हुआ उससे इतना तो जरूर हुआ कि मुझे एक सच पता चला। वो ये कि मेरी कक्की ने मुझे इतना प्रेम दिया कि मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं तो सड़क पर फेंकी हुई एक बेकार चीज थी, जिसे मेरी कक्की ने अपने घर में अपने दिल में सजा लिया। कौन कहता है कि तू बेकार की चीज है? तू तो मेरे दिल की रानी है, मेरी बच्ची है। तू
तू तो मेरा चांद का टुकड़ा है। तब तो तुम नहीं चाहोगी ना कि मुझे और दुख पहुंचे, इसलिए मुझे जाने दो। हेमदी, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो मुझे माफ कर दीजिए। ठहरो। परी, मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। हे जोगिन बाबू, आपने जो कहा सच्ची था। मैं ही अपनी जगह भूल गई थी। पर इसमें सिर्फ मेरी गलती नहीं है, आप लोग हैं ही इतने प्यारे। इतने दिनों में मुझे इतना प्रेम दिया कि मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं इस घर का हिस्सा नहीं हूं। परी, तुम जानती हो ना कि मैं गुस्से में कुछ भी बोलता रहता हूं। इवन बाबा और काका भी यही कहते हैं कि मैं बहुत जल्दबाज हूं। जाने अनजाने में मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं यहां तुम्हारा पीछा करते हुए नहीं आया था, मुझे किसी से मिलना था। देखा तुम अकेले बैठी हो तो मैंने सोचा कि हालचाल पूछ लूं। भगवान के लिए मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए और चले जाइए यहां से। जाने अनजाने में मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है, प्लीज मुझे माफ कर दो। ये क्या कर रहे हैं जोगिन बाबू? क्या अभी तुम मुझे माफ नहीं करोगे? ठीक है, पर एक शर्त पर। ठीक है, मुझे तुम्हारी सारी बातें मंजूर है, बोलो। जब से यहाँ आई हूँ घर में ही पड़ी हूँ। आपको माफी तभी मिलेगी जब आप हम सबको कोलकाता शहर घुमाने ले जाएंगे। देखो परी, अभी मेरा कहीं जाने का मन नहीं है। तो फिर ठीक है, यहाँ घर में बंद पड़े रहने से तो अच्छा है कि मैं अपने गांव ही चली जाऊं। कम से कम वहां धान के खेतों में घूमने को तो मिलेगा। चलो कक्की, तुम भी मेरे साथ चलो। सत्यानाश हो इस लड़की का, अब जब सब ठीक हो गया है तो ये घूमने के चक्कर में गाँव भागी जा रही है। चलो कक्की। हाँ, मगर बेटा अब तो जोगिन ने माफी भी मांग ली है। इतना गुस्सा अच्छा नहीं है परी। मुझे कुछ नहीं पता कक्की, तुम्हें मेरे साथ गांव चलना ही होगा। अरे मगर मुझे मेरा सामान तो लेने दो। नहीं कक्की, तुम चलो मेरे साथ, मुझे अब कुछ नहीं सुनना है। चलो। कहीं नहीं जाएगा कोई। हम सब घूमने जाएंगे। चलो, इस बेवकूफ को सही समय पे अकल तो आई, वरना मेरे सपनों को इस घर से बाहर निकालने में परी ने आज कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तो फिर ठीक है, मैं फटाफट तैयार होके आती हूँ। हाँ हाँ, चलो मैं भी आ रही हूँ। क्या तुम्हें अभी भी लगता है मुझे इससे शादी करनी चाहिए? इतनी भी बुरी नहीं है। ओ पॉडी, कम ऑन, इट्स रियली पैथेटिक।
डॉक्टर महेश, आप यहाँ पे? डॉक्टर नवीन, कैसे हैं आप? यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तो अपनी फैमिली के साथ आया था, आपका कैसे आना हुआ? मैं भी किसी के साथ आया हुआ हूँ। कमला, तुम यहाँ किसी के साथ आई हो क्या? आपसे मतलब? आप कौन होते मुझे ये सवाल पूछने वाले? आखिर आप चाहते क्या है मुझसे? आप दोनों मेरी जिंदगी से चले क्यों नहीं जाते? क्यों मेरा पीछा कर रहे हैं? कमला, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं यहां तुम्हारा पीछा करते हुए नहीं आया था, मुझे किसी से मिलना था। देखा तुम अकेले बैठी हो तो मैंने सोचा कि हालचाल पूछ लो। भगवान के लिए मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए और चले जाइए यहां से। आपने और रमेश बाबू ने तय कर ही लिया था कि मेरी जान निकाल कर ही दम लेंगे। वो तो मेरी किस्मत अच्छी है जो मैं आप लोगों के बीच से निकल गई। पता नहीं सुशीला इस वक्त क्या झेल रही होगी। मैं मानता हूं कमला, मेरी और रमेश की वजह से तुम्हें बहुत दुख पहुंचा, लेकिन सुशीला के साथ जो भी हुआ उसमें हमारा कोई दोष नहीं। क्या क्या हुआ है सुशीला के साथ? सुशीला घर छोड़कर चली गई। क्या? हाँ कमला, सुशीला को जब हेम और रमेश के प्रेम के बारे में पता चला तो ये बात वो सह नहीं पाई और घर छोड़कर चली गई। ये क्या कह रहे हैं आप? सुशीला कहीं चली गई? रमेश बाबू कहाँ हैं? उन्होंने उनको रोका नहीं और उन्हें तलाशने की कोशिश भी नहीं की? तब तक बहुत देर हो चुकी थी कमला, मैंने और रमेश ने सुशीला को कहां कहां नहीं तलाशा, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। मुझे आप लोगों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। कमला, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम महेश बाबू से पूछ लो। मैं और रमेश सुशीला को तलाश करते करते घाट पहुंचे तो वहां महेश बाबू मिल गए। उन्होंने बताया कि तुम भी कहीं चली गई हो। इस गुस्से में आकर महेश बाबू ने रमेश को बहुत बुरा भला कहा। ये सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और कहीं जाते वक्त उसका एक्सीडेंट हो गया। इतना सब कुछ हो गया और मुझे पता भी नहीं चला। कैसे है रमेश बाबू, कहाँ है वो? किस अस्पताल में है? किसी हॉस्पिटल में नहीं है कमला। जिस वक्त उसका एक्सीडेंट हुआ वो सीधे नदी में जा गिरा। कोई तो जो हमारी हर नस की खबर रख रहा है, कोई तो है जिसे हमारी हर चाल की खबर है, कोई तो है जो हमारे सारे राज उस तक पहुंचा रहा है, कोई तो है। देवजी, आपने बात तो बिल्कुल सही कही, लेकिन वो है कौन? यही तो हम भी जानना चाहते हैं कि आखिर वो कौन हो सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने पैसे कमाने की कोई नई तरकीब बना ली है? कैसी बातें कर रही है देवी जी?